कमाल की जोड़ी है। इस कॉम्बिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें एक साथ खाते हैं जो कि बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। और मैं यहाँ पे सिर्फ अनहेल्दी फूड आइटम्स की बात नहीं कर रही, बल्कि बहुत सी ऐसी हेल्दी चीजें हम एक साथ खाते हैं जिनके कॉम्बिनेशन बहुत गलत है। और अगर उन कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता चलेगा ना, तो आप हैरान रह जाओगे। राइट फूड कॉम्बिनेशन को समझना भी एक साइंस है, फूड साइंस। तो आओ इस फूड कॉम्बिनेशन की बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं। जब हम ठीक तरीके से कुछ खाते हैं तो हमें एनर्जेटिक फील होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है ना कि खाना खा के गैस, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन फील होता है, वो यही रॉन्ग कॉम्बिनेशन की वजह से है। तो अगर उन सब चीजों से बचना है तो इन कॉम्बिनेशन को ठीक करना होगा, क्योंकि अदरवाइज तो इस बीमारी का कोनो इलाज नहीं। अगर इन गलतियों को ठीक कर लिया तो डाइजेशन वाइजेशन जैसे इशू भी सॉल्व हो जाएंगे। वेट लूज करना चाहते हो तो उसमें भी हेल्प मिलेगी, बॉडी में ज्यादा एनर्जी और मन में ज्यादा शांति रहेगी। तो चलो देखते हैं कि कौन से ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो एक साथ नहीं लेने चाहिए, उनको आज से ही ठीक करते हैं। कर पाएगा टास्क, बनेगा रोडी। अरे भाई मैं बोल लूं। जी, भाई क्यों बोला? नंबर वन ऑन दिस लिस्ट इज मिल्क एंड बनाना। आपको शायद बनाना शेक पसंद होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे आयुर्वेद को बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदिक थ्योरी के हिसाब से मिल्क एंड बनाना का कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है। ये हमारी बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है और सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। बनाना डाइजेस्ट होने से पहले ही सार हो जाता है, सो इसलिए वो मिल्क को कर्डल कर देता है, जमा देता है, और इससे हमारे पूरे सिस्टम में रायता फैल जाता है। बनाना एंड मिल्क के अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है, बट इन दोनों को मिक्स कर देना मतलब कि दोनों की प्रॉपर्टीज को किल कर देना। सो इसलिए आप बनाना और मिल्क में 20 मिनट्स का डिफरेंस रख के कंज्यूम करो। अगर फिर भी आपको ओकेजनली बनाना स्मूदी पीने का मन करे तो आप उसके अंदर कार्डमम या सिनेमन पाउडर या फिर नटमेग पाउडर डाल के उसको बनाओ, सो दैट आपको डाइजेशन में हेल्प मिल सके। सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, मेरी वीडियो चल रही है, चलो ठीक है। चलो रुको बना देती हूँ। अगला पॉइंट हम किचन में चलकर डिस्कस करते हैं। यू नो व्हाट द नेक्स्ट बैड कॉम्बिनेशन इज, मिल्क एंड टी। आई कैन सी योर रिएक्शन, बट एक्चुअली मिल्क को किसी भी चीज के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक होल फूड है। बट जब हम इस तरह चाय में दूध ऐड करते हैं तो ये चाय के सारे एंटीऑक्सीडेंट को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा दूध वाली चाय पीने से ब्लोटिंग, एंजाइटी एंड डिहाइड्रेशन हो सकती है। इन सब के अलावा जहां दूध वाली चाय में अराउंड 150 कैलोरीज होती हैं, ब्लैक टी में सिर्फ 2 कैलोरीज होती है। सो बेटर यही है कि आप अपनी दूध वाली चाय में से दूध को माइनस कर दो और ब्लैक टी पे स्विच कर जाओ। बट आई नो कि बहुत लोगों को बिना दूध वाली चाय के मजा नहीं आता, सो रिस्पेक्टिंग योर लव टुवर्ड्स दूध वाली चाय, मैं आप लोगों को इतना सजेस्ट करूंगी कि आप उसमें दूध कम डालो, या फिर आप कभी कभी इस तरह अपनी ब्लैक टी के अंदर लेमन डाल के और उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल के इस लेमन टी को एंजॉय कर सकते हो, विच हैज अ डिफरेंट टेस्ट एंड फ्लेवर। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे। वैसे मोर देन अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद योर मील। स्पेशली गर्मियों में खाने के साथ पानी पी के जो सुख, चैन और शांति मिलती है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, पर क्या ये सही है या बस सिर्फ मिथ? सो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, बट जब हम साथ में पानी पी लेते हैं तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है और खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक उसी तरह जिस तरह इस वक्त मेरा फोकस इस वीडियो को बनाने में है और ये अनवांटेड एक्टिविटीज मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। सो इसलिए खाने के साथ पानी पीना अवॉइड करो। एंड यहाँ पर एक एडिशनल टिप, आप खाने से आधा घंटा पहले पानी पीते हो तो उससे आप ओवर ईटिंग करने से बच जाओगे एंड वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। अगर वेट लूज करने के लिए मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में एनरोल करना चाहो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट gunjanshouts.com पे जा सकते हो, जहाँ पे मेरे एक्सपर्ट सर्टिफाइड डाइटिशियंस आपको एवरी वीक काउंसलिंग करेंगे, कस्टमाइज डाइट प्लान देंगे, साथ में वर्कआउट प्लान भी दिया जाएगा एंड आपका वेट लॉस ईजी हो जाएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे, जो कि इसी टेबल पर है। वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन इस सैलेड की प्लेट में है। एनी गेसेस? ओके, लेट्स गो अ लिटिल क्लोजर। आई एम टॉकिंग अबाउट कुकुम्बर एंड टोमेटो, टू वेरी कॉमन थिंग्स इन अ सैलेड। एंड वेट वेट वेट, क्या आपको पता है कि टोमेटो एंड कुकुम्बर वेजिटेबल्स नहीं है बल्कि फ्रूट्स हैं, बट हम इनको सैलेड में खाते हैं और सैलेड्स बहुत हेल्दी होते हैं। बट टमेटो एंड क्यूकुम्बर का कॉम्बिनेशन इज नॉट वेरी हेल्दी, एज ये दोनों मिलके हमारे पेट के अंदर गैस बना सकते हैं। इसके अलावा
टमेटोज आर रिच इन विटामिन सी, इनफैक्ट इसके अंदर ऑरेंज से भी ज्यादा विटामिन सी होता है, बट क्यूकम्बर के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो इसके विटामिन सी को किल कर देता है, सो दैट मींस न्यूट्रिशन वैल्यू भी गई और फायदा भी नहीं है. सो बेटर नॉट हैव दिस कॉम्बिनेशन इन योर सैलेड, इंस्टेड यू कैन हैव समथिंग एल्स इन योर सैलेड. चलो जी, खाना तो हो गया और अब कुछ मीठा हो जाए. खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन किसका नहीं करता, और अगर आप भी मेरी तरह हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप प्रोसेस्ड मिठाइयां अवॉइड करते होंगे, उसकी जगह आप नेचुरल मीठा जैसे कि फ्रूट्स चूज करते होंगे. मैं भी यही करती थी जब तक मुझे ये नहीं पता था कि खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में छेड़छाड़ हो सकती है. सो हैविंग फ्रूट्स आफ्टर अ मील इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया एंड आई विल टेल यू व्हाई. फ्रूट्स में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, सो दे क्विकली गो थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक, बट खाने को डाइजेस्ट होने में कम से कम 2-3 घंटे का टाइम लगता है. सो जब आप खाना खाने के बाद फ्रूट खा लेते हो, दैट मींस द फ्रूट इज नाउ सिटिंग ऑन टॉप ऑफ योर फूड, और यहाँ पे पूरा चांदनी चौक का ट्रैफिक जैम बन जाता है, कोई जाना चाह रहा है कोई रुकना चाह रहा है. एंड ऑल दिस लीड्स टू ब्लोटिंग, पेट में फर्मेंटेशन हो सकती है, इनफैक्ट खाने के जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं हम वो भी मिस आउट कर जाते हैं. तो इसलिए खाने एंड फ्रूट्स में 30 मिनट्स का गैप जरूर रखो. खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करे तो आप जैगरी यानी कि गुड़ खा सकते हो, जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करेगा. इसके अलावा आप इश्क खा सकते हो, क्योंकि गुड़ ना लो इश्क तो मीठा ओ हो. तो ये थे घर की हेल्दी चीजें जिनके कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है. आपको पता है कि आउटसाइड फूड में भी कुछ ऐसे कॉम्बोज हैं जिनके कॉम्बो ऑफर्स से फैसिनेट हो गए, उनको ले तो लेते हैं बट वो बहुत अनहेल्दी हैं. एंड वन सच वेरी फेमस कॉम्बो इज बर्गर एंड फ्राइज. ज्यादातर बर्गर जॉइंट्स बर्गर के साथ फ्राइज सर्व करते हैं, बट क्या आपको पता है ये कॉम्बिनेशन इतना अनहेल्दी है दैट इंस्टेड ऑफ एडिंग फ्राइज विद योर बर्गर यू माइट वांट टू कंसीडर एंड हैव अनदर बर्गर इफ यू फील हंग्री. हालांकि दो बर्गर खाना इज नॉट अ वेरी हेल्दी आइडिया, बट यहाँ पर बात हो रही है एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, विच इज बैलेंस. न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म की एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर खाने का एक सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ द रोल दीज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्ले इन मेंटेनिंग रेगुलेटिंग अवर ब्लड शुगर लेवल्स. बर्गर एंड फ्राइज दोनों डीपली फ्राइड है, इन दोनों को एक साथ कंज्यूम करने से आवर ब्लड शुगर लेवल्स कैन रियली ड्रॉप वेरी लो. Ordering fries means just a tray with a lot of fat and carbs, but very little protein. By swapping the fries for a second burger, आप अपने protein intake को almost double कर देते हो and fat and carbs के amount को reduce कर देते हो. और क्योंकि fast food में fats and carbs बहुत ज़्यादा होते हैं, protein बहुत कम होता है, so इस simple से switch से आप अपने macronutrients को balance out कर सकते हो. और इसी तरह अगर आप roughly अपने nutrient intake को balance out करते रहोगे तो आपकी cravings कम होगी और जो खा रहे हो उस पे control ज़्यादा होगा. ऐसा ही एक और combination है और वो है pizza and cold drink. Most of us cannot have their pizza without any fizzy drink, और ये combination इतना popular है कि fast food companies इस combo के लेकर अपनी strategies डिजाइन करती हैं सो दैट उनकी सेल्स इंप्रूव हो सके एंड इट ऑलवेज वर्क फॉर देम. पिज्जा में कार्ब्स प्रोटीन स्टार्च होता है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी की काफी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है. जब इसके साथ हम सोडा ऐड कर देते हैं तो कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो जाती है बिकॉज ऑफ द शुगर कंटेंट प्रेजेंट इन दीज एरिएटेड ड्रिंक्स व्हिच फर्दर स्लोस डाउन द प्रोसेस और डाइजेशन की वाट लग जाती है. सो डोंट हैव पिज्जा एंड सोडा टुगेदर. दो लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन जो कि हमारे ब्रेन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब है, आजकल यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर एंड आई एम श्योर दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ बैड इट इज. आई एम टॉकिंग अबाउट एल्कोहल एंड एनर्जी ड्रिंक. और अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे ना तो खुद समझ जाओगे कि ये कॉम्बिनेशन गलत क्यों है. जहाँ अल्कोहल हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, मोटर एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देता है, वहीं पे एनर्जी ड्रिंक में कैफीन एक स्टिमुलेंट होता है. मतलब समझ रहे हो कि दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है. इससे हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, हमें लगता है कि हम एनर्जी में हैं, बट एक्चुअली में हम ड्रंक होते हैं, हम पूरी तरह कॉन्शियस नहीं होते, एंड दिस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैन बी वेरी वेरी डेंजरस. ऑल्सो एल्कोहल एंड कैफिनेटेड बेवरेजेस को मिक्स करने से एल्कोहल पॉइजनिंग, एल्कोहल ओवरडोज के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम रिस्की बिहेवियर में एंटर करते हैं, जैसे कि हमें ड्रिंक एंड ड्राइव का जोश चढ़ जाता है. दिस मिक्स ऑफ एल्कोहल एंड एनर्जी ड्रिंक कैन बी लीथल. Teens and young adults are most at risk. A study has proved that this might feel good momentarily, but this mixture can cause changes in brain's chemistry that last into adulthood and alter your mind's ability to feel pleasure, making things that are supposed to be good feel dull or boring. So, in sabhi wrong combinations mein, social distancing rakhna hi sahi hai. इस वीडियो को उन सब लोगों के साथ शेयर करो जिनकी आप केयर करते हो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो. ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. बेल आइकॉन दबाना मत भूलना. मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम गुंजन शाउट्स पे भी फॉलो कर सकते हो. फिट रहो, हिट रहो.